ऐसी बीमारी जो सब क्या कर नहीं बताई जाती, यार बतेरे पर यारी सब तो नहीं नई जाती। सारी दुनिया कहती आवा सूल बराबर होते चार, मूर्ख सेवक मुंजी राजा कुटिल स्त्री कपटी यार, इन चारों की पीड़ा से पीड़ित है सारा संसार, ना कोई मांग ना कोई शिकायत उनकी यारी जाती पार। यार क्या कर धन बल की ना बोर दिखाई जाती, यार बतेरे पर यारी सब तो नहीं नई जाती। पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजयविंद रोली की तरफ से सारे भाइयों राम राम भाई। आज एक बार फिर पहुंच गए गांव लजवाना खुर्द जला जींद में बालाजी डेयरी फार्म, अनिल बालाजी डेयरी फार्म पे, जो कि भाई बजरंगी बुल के ओनर हैं और भी बहुत बढ़िया बढ़िया पशु तैयार हैं, एक से एक बढ़िया अपना दुधारू झोटी मुर्रा नस्ल के तकरीबन जो पशु रखते हैं भाई, उनके बारे में हर एक पशु की जानकारी देंगे। आज सुनील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल के छोटे भाई हैं भाई। बार बार स्वागत है पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर सुनील भाई का। सुनील भाई राम राम। राम राम भाई साहब। और ठीक हो सुनील भाई? ठीक भाई साहब। तो भाई पहले भी अपनी वीडियो कवर की थी, तीनों बुलों के बारे में बताया था, आज जो वीडियो बनानी है उस झोटी के बारे में बताओ, अपना कौन सा पशु है जिसकी वीडियो आज कवर करनी है? भाई साहब रानी है, दूसरी बार ब्याहोगी, फर्स्ट बार में 17 किलो 140 ग्राम दूध निकला। अच्छा, आज उसकी वीडियो कवर करनी है भाई, क्योंकि पशु लगभग कितने पशु भाई साहब अपने पास है? 16 पशु भाई साहब। 16 पशु में से हर एक पशु ऐसा है जिसकी अलग अलग एक क्वालिटी है, हर पशु की एक अलग क्वालिटी है, तो एक वीडियो में सबकी जानकारी नहीं दी जाएगी। बार बार भाई के डेयरी फार्म पर पहुँच कर हर एक पशु की डिटेल आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज जो रानी भैंस है, रानी जो झोटी है, उसके बारे में जानकारी देंगे पूरी। तो भाई साहब उसे अपना झोटी को एक बार लेके आओ। भाई द्वारा 16 पशु हैं जो कि अपना तकरीबन मुर्रा नस्ल की ब्रीड जितनी भी है जी अपने पास। हाँ, मुर्रा नस्ल की भाई साहब। तो भाई फिलहाल मेरे ख्याल 3 बुल हैं जो अपना चैंपियन की दौड़ में तैयार कर रखे हैं अपने। हाँ। 2 बुल जो हैं वो चैंपियन बन भी चुके हैं। हाँ भाई साहब। बजरंगी बुल, बादशाह, किंग। बादशाह और किंग। अभी किंग को नहीं उतारे रिंग में? कि ना, किंग 3 बार फर्स्ट लग लिया। अच्छा, किंग भी रिंग में फर्स्ट आ लिया। हाँ। तो भाई अब आज का जो फोकस रहेगा हमारा पूरा वो होगा ये रानी जो अपनी झोटी है इसके ऊपर। भाई साहब इसके बारे में पहले तो ये बताओ कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र भाई 3.5 साल है। अच्छा जी। ये दूसरे बात में 2 महीने में बैलेगी। अच्छा, अब 2.5 महीने में? 2.5 महीने बाद यह बच्चा देगी। कौन से बुल से प्रेग्नेंट है ये? HLDB के सीमन से प्रेग्नेंट है भाई। HLDB के सीमन से प्रेग्नेंट है। और बेटी कौन से बुल की है? बजरंगी बुल की बेटी है। अपना जो घर का बुल है बजरंगी बुल है, उसकी बेटी है। या घर की ब्रीड है भाई साहब? घर की है भाई साहब। और जो इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड है दूध का जी? इसकी माँ का है 19 किलो का। 19 किलो का। तो एक बात सुनील भाई, अपने जितने भी पशु हैं तकरीबन पहली वीडियो में भी देखा भाई, सबकी जो है हाइट बहुत शानदार है तकरीबन पशु के बाद। कॉम्प्लेन पे आकर पशुपालक साथियों, पशुओं में बहने के बाद जेर गिराने व मैले से चलाने के लिए सर्वोत्तम दवाई यूट्रामैक्स। जेर गिराने के लिए 250 ml हर 2 घंटे में और गर्भाशय की सफाई, मैले से चलाने के लिए 100 ml 10 दिन तक। हमा पे पूत पिता पे घोड़ा घना नहीं था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भाई बजरंगी बुल की जो हाइट है 5'11" की है भाई। 5'11" की। मन ने भी उसके बराबर में खड़ा होगा देखा, 5'9" की है। हम भी उसके पीछे अगर खड़े हो जाएं और सामने से देखें तो दिखाई नहीं देंगे भाई। नहीं देगा भाई। इस प्रकार की हाइट बजरंगी बुल की है और उसी की बेटी है। इसकी कितनी हाइट होगी सुनील भाई? इसकी 5'7" है भाई। 5'7" की इसकी हाइट है भाई, आप देख सकते हैं आपके सामने है बिल्कुल। भाई जसबीर जमोला थोड़ा सा क्लोज करके जरूर कैप्चर करें, क्योंकि एक से एक शानदार जो पशु, एक ये जो माथे में फूल लग रहा है कौन सी प्रदर्शनी का भाई? 17 फरवरी 2020 को NDRI में करनाल लगी थी भाई। अच्छा, फर्स्ट। अच्छा जी। 17 फरवरी 2020 को। किस कैटेगरी में भाई? दो से चार दांत में भाई। 2 से 4 दांत में वहाँ पे पहला स्थान हासिल किया था इसने। हाँ, इसने पहला स्थान हासिल किया था भाई। 16 पशु में तो अपने पास फिलहाल इतने कौन से पशु हैं जिनको आपने रिंग में उतारा है और जिन ने पोजीशन लगाई है? आपसे 8 पशु हैं भाई साहब फिलहाल। 8 जो पशु अपने पास में ऐसे हैं। हाँ, जो रिंग में उतारे जो चैंपियन बन चुके। हाँ, 16 में तो 8 पशु जो ऐसे हैं भाई के पास है जो चैंपियन बन चुके हैं भाई। ऐसे पशु पालकों को हरियाणा का गौरव बढ़ाने पर, पशुपालक उनके व्यवसाय में जो है गौरव बढ़ाने पर भाई
पशुपालन विकास मंच की तरफ से बार बार शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। इस पशुपालन को आप इतना आगे लेकर जा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बजरंगी बुल के और बादशाह बुल के सीमन अवेलेबल हैं। बादशाह के अभी तैयार नहीं करूँगा, बादशाह के आगे अगस्त में तैयार करूँगा। अगस्त में तैयार हो जाएंगे बजरंगी के। फिलहाल अपना अवेलेबल है भाई, रिजल्ट तो आना ही है क्योंकि बजरंगी की हाइट पिछली वीडियो में आपने देख ली, इस वीडियो में ये जो सामने है बजरंगी की बेटी है, इसकी भी हाइट आप देख सकते हो भाई। तो भाई खरकी ने कितना दूध दिया इसने? खरकी ने दो दांत ने 17 किलो 140 ग्राम दूध निकाला भाई। ज्यादा से ज्यादा जो अपना 17 किलो 140 ग्राम दूध है, ऐसा नहीं लंबे टाइम निकाला इनके, 3 महीने थे 17 किलो, फिर 14 किलो 5-6 महीने थे निकले भाई। मतलब भाई 5-6 महीने तक फिर 14 रूटीन में रही? हाँ रूटीन में रही है, 14, 16, 14, 14, 14, 14, 6-6.5 महीने बैठी थी जब तक। तो भाई एक वीडियो जो आपकी पिछली कवर करी थी उसमें कई कमेंट भी आ रहे थे सुनील भाई, एक बार इतनी अच्छी सेहत है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आपके पशु का, तो इन पे एक बार डाइट प्लान की जरूर जानकारी लें। तो भाई और पशुपालक भाई भी इस तरीके का बढ़िया पशु तैयार कर सकें, एक बार डाइट के बारे में और बताओ, कितनी के आप इनकी केयरिंग करो हो, क्या इन खिलाओ हो, उस बारे में जरूर बताओ और भाइयों ने भी मदद मिले, हेल्प मिले। भाई साहब दिन प्रतिदिन का 5 किलो दाना गेहूँ अलका चना और खड़ सर बरसम हुआ बिंदौड़े की। अच्छा ये अपना रूटीन भिगो के दिया रहा भाई साहब। अच्छा दिन में भाई इब गर्मी भी आ रही है, जैसे एक नहवान की बात करें? हाँ दिन में 2 बार नहा के लाऊं भाई साहब। 2 बार नहा के लाऊं, अपना गांव में तालाब है? गांव में तालाब है, उस तालाब में ले जाना सारे पशु। तालाब में जो नहाने का एक स्ट्रेस फ्री हो जाए पशु। हाँ बाहर जो घूम का है तालाब में नहा का, 2 टाइम जाऊंगी, 2-2 घंटे लोट मारेंगे जोर में, 2-2 घंटे लोट मारेंगे। हाँ तो 2.5 महीने बाद बच्चा देगी? बच्चा देगी 2.5 महीने बाद भाई। फिर भाई साहब अगर बात करें सेल वाली, कोई अच्छा वायर भाई खरीदना चाहो है? सेल करने की कोई वो नहीं भाई, इच्छा नहीं भाई। अच्छा सेल की कोई इच्छा नहीं है भाई, अपने पास ऐसा कोई पशु है जो सेल के लिए अवेलेबल हो? फिलहाल कोई ऐसा पशु नहीं है जो सेल के लिए भाई। अपना काम ज्यादातर इतने पशु घर में हो जाए तो भाई दूध का तो काम लाजमी है। हाँ भाई वो तो भाई इतना घर में बर्तन में नहीं आता कुछ भाई, बेच डेयरी में दिया भाई साहब। हाँ डेयरी में दूध दिया जा है, सेल परचेज का पशु का काम है अपना? ना भाई सेल परचेज का नहीं, आपा तो अपने घर की ब्रीड तैयार करा भाई साहब। तकरीबन घर की ब्रीड तैयार करा? सारी घर की ब्रीड है, एक मैच लाए थे जो बजरंगी की माँ पिछड़ू 1000 रुपए की, वो बजरंगी घर पे जन्म दिया था बजरंगी को, और सारा हर एक बच्चा पशु है इनके सेल भी कर दे रहा हूँ, वहाँ साल में 2 साल में झोटी को अच्छी है सेल कर दिया। तो भैया जो अपना रानी झोटी है नाम भी बहुत सोच समझ कर रख रखा भाई ने, क्योंकि चेहरा मोरा बहुत बढ़िया है, रिंग सिंग है, कद काठी बहुत शानदार है, और जेड ब्लैक अपना काला सोना जिसको बोलते हैं काला नगीना, ये अपना हरियाणा की जो पहचान है मुर्रा नस्ल। अगर आप आगे देखेंगे भाई बालाजी डेयरी फार्म में लिजवाना खुर्दे तहसील जुलाना जी, तहसील जुलाना जिला जींद में, एक से एक मुर्रा के नगीने आपको देखने को मिलेंगे, 16 के 16 जो पशु हैं प्योर मुर्रा नस्ल के हैं जी। हाँ प्योर मुर्रा नस्ल के हैं भाई, मुर्रा नस्ल पे भाई काम करते हैं, एक से एक टॉप आपको यहाँ पे भैंस झोटी देखने को मिलेगी, और भाई 3 जो बुल हैं वो तो शानदार हैं आने वाले समय के, बजरंगी तो भाई चैंपियन है, उसके जो बेटे हैं कौन कौन सा? किंग और बादशाह उसी के बेटे हैं? हाँ किंग और बादशाह उसी के बेटे हैं, बादशाह तो 5 बार फर्स्ट आ लिया, 5 बार फर्स्ट बादशाह आ लिया भाई, पहले भी वीडियो कवर करी थी, अब की बार एक के बुल की वीडियो आपके सामने पहुँचाते रहेंगे।